तो लाठीचार्ज के खिलाफ बीजेपी ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सदन के बाद अब सड़क की बारी है। जिला मुख्यालयों में आज बीजेपी नेता और कार्यकर्ता धरने पर बैठे हैं। पटना में पार्टी कार्यालय के बाहर पार्टी के सभी बड़े नेता धरने पर बैठे हैं। और संवाददाता गौतम इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौतम, 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाएगा जिसमें तमाम तरह की जानकारी समिति के द्वारा दी जाएगी, लेकिन इससे पहले एक बार फिर से बीजेपी का धरना प्रदर्शन। और देखिए, बीजेपी जो है इस धरना प्रदर्शन को लेकर पूरे बिहार भर में जो है जो कहा जा सकता है कि विरोध प्रदर्शन कर रही है। पार्टी के तमाम जो नेता हैं, आप देख सकते हैं, तमाम नेता सम्राट चौधरी के नेतृत्व में बैठे हुए हैं और तमाम लोगों के साथ जो है ये धरना दिया जा रहा है। पूरे बिहार भर में जो है ये धरना का जो है वो आयोजन किया गया है। और जो कहा जा सकता है कि जिस तरह से धरना को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश है, सरकार के तरफ से भी बड़े पैमाने पर यहाँ भी पुलिस की व्यवस्था की गई है और विरोध मगर जो है यहाँ पे बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से सम्राट चौधरी खुद नेतृत्व कर रहे हैं। एक सवाल यहाँ भी ये सम्राट चौधरी सरकार पर उठाया है कि जो FIR दर्ज किया गया, वह FIR जो कहा जा सकता है कि उसमें उनका नाम नहीं है, जो नाम नहीं दिया गया, इस पर भी नीतीश कुमार की राजनीति है, कूटनीति के तहत जो है ये कार्रवाई की जा रही है। सम्राट चौधरी से हम जुड़ने की कोशिश करेंगे, जो कहा जा सकता है कि क्या वो कहते हैं, मगर अभी तक वो अपनी बातों को नहीं रखे, मीडिया के सामने अपनी बात जो है एक ही बार जो है वो करेंगे। तमाम जो लोग हैं यहाँ पर बैठे हुए, नंद किशोर यादव, तमाम जो लोग जो है यहाँ पर बैठे हुए, मगर विजय कुमार सिन्हा जी, विजय कुमार सिन्हा जी से बात करने की कोशिश करेंगे। सम्राट जी अभी नहीं बोलेंगे, मगर विजय कुमार लोगों का नाम नहीं दर्ज किया गया है। राजनीति कर रहे हैं, लोगों को भयभीत कर रहे हैं, इसका जवाब हम देंगे। विजय कुमार सिन्हा जी का एक कम शब्दों में जो जवाब है सरकार को लेकर जो है, एक घेरने को लेकर जो है कहा जा सकता है कि जो जवाब उन्होंने दिया, जिस तरह से विपक्ष की जो है आवाज को दबाने की कोशिश सदन में की जा रही, लगातार विजय कुमार सिन्हा जी उन बातों को जो है सदन में जो है ये बातों कर रहे हैं। देखिए, रविशंकर प्रसाद जी जो है, रविशंकर प्रसाद जी जो है वो भी यहाँ पे पहुंच चुके हैं। रविशंकर प्रसाद जी हैं, 3 बजे के करीब जो है यह प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा। सर, केंद्रीय टीम पहुंची हुई जांच के लिए 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा। लगातार सरकार कह रही कि आप लोगों को उकसा कर यहां पर लाए थे, मनसा प्रदर्शन का नहीं था, हिंसा का। देखिए, इस तरह की भाषा, ये सब जो इस तरह के भाव रख रहे हैं, कहीं ना कहीं सरकार की मनसा साफ झलक रही है। शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर इस तरह से लाठी बरसाना और लोकतंत्र की हत्या करना, सदन में भी नहीं बोलने देना, सड़क पर भी इनके भ्रष्टाचार अपराध और गलत नीति के विरुद्ध आवाज उठाने वाले को, चाहे शिक्षक कर्मी हो, कृषि सलाहकार हो, कोई भी आता है, सब पर लाठी बरसाता है, ये कतई उचित नहीं है। और केस मुकदमा करके डराने का प्रयास न करें। विनाश काले विपरीत बुद्धि, कांग्रेस ने ये कुकर्म बहुत पहले कर चुका है, वही राह पर वही संगति ये अपना रहे हैं, इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा इनकी विदाई से। सिंह जी की मौत को लेकर कह रहे हैं कि घटना उस दौरान नहीं हुई, वो दूर थे, वीडियो रिकॉर्डिंग भी प्रशासन सामने कर। ये लोग लुच्चा आदमी है, झूठ बोलने का सरदार है, बेशरम लोग है, सत्य से मुंह मोड़ता है। देखिए, एक विजय कुमार सिंह जी थे, नेता विरोधी दल, नंद किशोर यादव जी, रविशंकर प्रसाद, ये तमाम जो लोग हैं यहाँ पर बैठे हुए हैं। सम्राट चौधरी जी अपनी बातों को अंतिम में रखेंगे। तमाम लोग जो हैं, नंद किशोर जी से भी हम बात करें। सर, लगातार आप लोग भी थे उस दिन, मार्च
चलिए देखिए अपनी बातों को रखेंगे। रविशंकर प्रसाद भी पहुंचे, 3 बजे के करीब जो है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का समय रखा गया, 3 बजे पार्टी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा। तमाम जो लोग जो केंद्रीय 4 सदस्यीय टीम पहुंची है, चाहे वो रघुवर दास जी हो मुख्यमंत्री झारखंड, मनोज तिवारी बीजेपी सांसद, बीडी राम जो है वो सांसद बीजेपी के, और सुनीता दुग्गल, ये तमाम लोग जो है 3 बजे के करीब जो है पार्टी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। और तमाम तस्वीरें मैं फिर से एक बार दिखा दूं, तमाम लोग शांतिपूर्ण तरीके से विरोध कर रहे हैं और यह विरोध जो है सरकार को लेकर है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया गौतम आपका तमाम जानकारी के लिए। तो बीजेपी कार्यालय के बाहर एक बार फिर से बीजेपी शांतिपूर्ण तरीके से धरना दे रही है और 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाएगा जिसमें तमाम तरह की जानकारी दी जाएगी।